morning and wish you all a very 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 happy new year. So this is an update video. अगर आप लोगों ने मेरा last video देखा होगा तो फिर आप लोगों को पता होगा कि मैं था अरल गुरु पे. इतने दिन हो गए पर अभी भी वो जगह का नाम मेरे मुँह से अभी भी प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है. अरल गुरु. सो अरल गुरु से मैं वापस आया गोवा. गोवा आने का एक ही रीज़न था, मेरे को न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट करना था. अकेले अकेले घूमते घूमते कहाँ सेलिब्रेट करता है कि नहीं. तो यहाँ पे कुछ नए दोस्त बने तो उन लोगों के साथ मैंने सोचा कि न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. तो मैं पहुँचा अरल गुरु से गोवा 23 को और 12 घंटे की जर्नी करने के बाद मैंने थोड़ा लंबा रेस्ट लिया और रेस्ट लेने के बाद मैंने अपना काम चालू किया. अभी मैं काम यहाँ पे क्या करता हूँ या फिर कैसे करता हूँ काम अपना, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, ठीक है. सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 31 के दिन बैन एंड ब्राइनी के घर पे जाके सेलिब्रेट करेंगे. एंड इफ यू आर वंडरिंग हु इज बैन एंड ब्राइनी, दे आर आवर स्कॉटिश फ्रेंड, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है. सो वो लोग यहाँ पे आरंबोल में एक महीने से थे. सो वी थॉट कि हम लोग उसके घर पे जाके पार्टी करेंगे दोपहर को, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ही चिल आउट करेंगे. सो हम लोग निकल के गए तो थे. देखो अभी रास्ता जो है ना यहाँ पे, मैं जहाँ पे हूँ डी सी सीट पे और डी सी सीट से उनके घर तक का रास्ता काफ़ी दूर है. हम लोगों ने अभी सोचा कि शॉर्टकट ले लेते हैं और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम लोग रास्ता भटक गए. काफ़ी ढूंढने के बाद में जाके अपना को मिला वो रास्ता. बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ किए नहीं हम लोग, बस अपने सारे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे आरंबोल पे सब लोग वहाँ पे जाके गैदर हुए हम लोग और वहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे ही कॉकटेल वॉकटेल पिए और थोड़ा सा गेम वेम खेले. एक्चुअली कॉकटेल बनाया आफान ने. कैसे बनाओगे? आफान ने अपना कॉकटेल ट्राई करवाया एंड इट वॉज वेरी गुड. 31 के दिन हम लोग ने वहाँ पे जाके थोड़े बहुत एंजॉय एंड चिल किए एंड इट वॉज प्रीटी नाइस. एंड बेन एंड ब्राइनी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस देयर, यू नो, फॉर होस्टिंग अस एंड लेटिंग अस शेयर अ स्पेस. थैंक यू सो मच. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट यू गाइस इन केरला. वहाँ पे पार्टी वार्टी करने के बाद वापस आए, वापस आके मैंने अपना काम चालू किया. सो अभी मेरे को हो गया कम से कम 40 दिन सोलो ट्रैवलिंग करते हुए. मैंने एक बात तो रियलाइज़ किया है कि ट्रैवलिंग में देयर थ्री थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थ्री थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग एंड लॉजिंग. इन तीनों में से अगर कोई भी एक फ्री हो जाता है तो फिर आपका खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. अगर दो फ्री हो जाते हैं तो फिर भाई बहुत ही सही है, बहुत ही सही है. और बाय एनी चांस अगर तीन फ्री हो जाते हैं तो फिर बहुत ही, है ना. तो फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं जैसे कि मैं पहले गोवा आया, गोवा आने के बाद मैं कर्नाटका गया, गोकर्णा, मैंगलोर वेंगलोर ये जगहों पे. तो बेसिकली मैं करता क्या हूँ कि मैं हॉस्टलों में जाता हूँ, रिजॉर्ट्स में जाता हूँ, होटल्स में जाता हूँ और सब जगहों पर जाके मैं बात करता हूँ. जैसे कि अभी मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ, मैं अभी मैजिक शो कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ और फोटोग्राफी कर सकता हूँ. इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे काम कर लेता हूँ मैं, पर फिलहाल के लिए बस इन तीनों को मैं फोकस लेके मैं बात करता हूँ, ठीक है. अभी जो ओनर होते हैं या फिर जो मैनेजर्स होते हैं तो उन लोगों को जाके मैं बस इतना बोलता हूँ कि आई कैन डू मैजिक ट्रिक्स, आई कैन डू फ्री मैजिक शोज, या फिर आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा या फिर फोटोग्राफी करके दूंगा. बस आप लोगों को मेरे को फ्री स्टे एंड फ्री फूड देना पड़ेगा. फ्री फूड बोले तो स्टाफ फूड जो भी है ना, इसका में कोलाबोरेशन टाइप. प्रोस एंड कॉन्स इसमें भी बहुत सारे हैं. प्रोस ये है कि अगर आपको मिल जाता है सही हॉस्टल या फिर सही रिजॉर्ट में मिल जाता है कि आपको, हाँ ठीक है आओ वीडियो बनाओ, रहने का खाने का फ्री होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत सही है. और कॉन ये है कि इट्स नॉट एट ईजी एज वेल. आपको हर एक हॉस्टल, हर एक रिजॉर्ट, हर एक होटल के पास जाके बात करना ज़रूरी होता है ताकि यू नो आपको पता नहीं है कौन देगा कौन नहीं. तो दैट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. तो मेनली वही है. तो फिलहाल मैं तो अभी उसी तरह से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ विथ ऑलमोस्ट नो मनी. मेरे पास अभी पैसे नहीं है कुछ भी ऐसा, सिर्फ ट्रैवलिंग का पैसा है मेरे पास कि यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से यहाँ जाने का, उसका ही पैसा है, बाकी इतना पैसा है नहीं. तो मैं तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हूँ उसी के ऊपर. अभी मैं जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तभी जाके मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट भी चलता है वर्क अवेज का. यूजुअली व्हाट यू डू इज यू वॉलंटियर. आप लोगों को बस जाके पूछना होता है कि डू यू गाइस हैव एनी वॉलंटियरिंग ऑप्शंस हियर, अगर है तो फिर बोलो कि आपके पास कौन सा स्किल है, वो स्किल को आप बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं ये सब ऑफर कर सकता हूँ, मेरे को बस रहने के लिए एक जगह एंड खाने के लिए खाना बस वो दे दो, बाकी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर शो वो कर दूंगा. सो दैट्स हाउ यू डू इट. रिजेक्शन तो बहुत मिलेंगे,
ऐसा नहीं है कि जितने भी जगह पे जाके बात करते हो तो सब लोग हाँ आ जाओ, वॉलंटियरिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, करो आराम से करो, रहो यहाँ पे, फ्री में रहो, फ्री में खाओ, कोई टेंशन नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। यू हैव टू कन्विंस देम, सो इट्स नॉट दैट ईजी, थोड़ा टफ है, पर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सो बेसिकली मैं इसी तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी, अभी मैं जहाँ पे हूँ आरंबोल में हूँ, आरंबोल में डीसी डिट में हूँ। यहाँ पे जो ओनर है शेखर, तो ही इज़ अ वेरी जैम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी कूल हेडेड गाय। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि शेखर जी ने मेरे को यहाँ पे रहने का मौका दिया। एंड शेखर जी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इन डीसी डिट। तो यहाँ पे मैं देख रहा था मैजिक का और एंट्री का, तो मैंने अपना काम किया, यहाँ पे मैजिक दिखाए, थोड़े बहुत मैजिक दिखाए और एंट्री पे खड़ा रहा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ केरला, कोची, फोर्ट कोची जा रहा हूँ अभी यहाँ से, और वो जा रहा हूँ मैं कल। और मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अभी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को लगा था कि डेली व्लॉगिंग करने से, अगर मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ तो फिर यू नो कॉन्टेंट का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, ये वही वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। पर फिर मैंने सोचा भी ये इसके ऊपर अच्छे से सोचा कि यू नो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज, न्यू चैलेंज। कल जा रहा हूँ केरला और कल से मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉर वन मंथ के लिए, एक महीने के लिए मैं तो डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ, यू नो, टू मेक मोर कंटेंट, टू पुट आउट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। सो और मेरा एक काइंड ऑफ मैंने एक बेंचमार्क अपने लिए रखा है, जब तक मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं होता, फिलहाल अभी मैं हूँ 979 सब्सक्राइबर्स पे, इट्स नॉट इवन 1,000 सब्सक्राइबर, पर जब तक मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाता तब तक मैं वापस घर नहीं जाने वाला हूँ। दैट्स द बेंचमार्क देयर आई हैव कैप्ट, अभी 1,00,000 करके घर जाने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे इस नए जर्नी में, तो कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे रह रहा हूँ, अगर इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फॉलो अलॉन्ग इन दिस जर्नी, होपफुली यू गाइस विल एन्जॉय दिस जर्नी ऑफ माइन। सो एवरी सिंगल डे एक एक वीडियो आने वाला, ठीक है, एंड बी प्रिपेयर फॉर दैट। बहुत ही सारा कंटेंट आने वाला है, हर एक जगह का, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, सब दिखाने वाला हूँ। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, रास्ते पे कौन से रास्ते पे घूम रहा हूँ, क्या घूम रहा हूँ, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग्स, इफ़ आई कैन आई विल शो एवरी सिंगल थिंग्स कि क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, आई विल शो यू गाइस, ठीक है। एंड या सो आज के वीडियो में यही अपडेट देना था मुझे आप लोगों को। होपफुली 2023 विल बी ए ग्रेट ईयर अहेड मेरे लिए भी, एंड आई प्लान टू गेट 1,00,000 सब्सक्राइबर इन दिस ईयर इटसेल्फ, और ये आप लोगों के हेल्प के बिना कभी भी नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़, जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो ये वीडियो को, बस एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो, दैट्स इट, 2 या 5 या फिर 10 सेकेंड का काम है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक इट इज़ इफ़ आई एम बोकल डेवी साइनिंग ऑफ, पीस आउट।